तो आज हम लोग जा रहे हैं कहीं जो कि हमारी जगह से 40 किलोमीटर दूर, तो हमको जाके बताएंगे कि वो कौन सी जगह है। ठीक है, तब तक के लिए वॉच इट आउट। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं एक ट्रिप पे। तो गाइज देख सकते हैं आप लोग रोड पे कितनी विजिबिलिटी है। नॉर्मली ऐसे विंटर्स में होता नहीं है, जब विंटर्स में 31 या 1 तारीख को हम लोग रहते हैं तो हमको सिर्फ एक दो कार विजिबल होती है, पर आप देख सकते हो आज फॉग वॉग कुछ भी नहीं है, बढ़िया मौसम है। देख सकते हैं ये भोपाल का वो चौराहा है जहाँ पर आपको 2 मिनट रुकना ही पड़ेगा, भले आप कितना भी तेज आ जाओ पर आपको यहाँ रुकना ही पड़ेगा। अगर आप इस चौराहे पे बिना रुके निकल गए तो मतलब ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, तो हम लोग आए हरसिद्धि माता तरावली। हम लोग आ चुके हैं तरावली माता मंदिर में। हम लोग आ चुके हैं तरावली माता मंदिर, जो हमारी जगह से 40 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर है, और ये हरसिद्धि माता का मंदिर है। क्या ये मंदिर का गेट है, यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे, यहाँ पूरी शॉप्स लगी हुई है प्रसाद वगैरह की। ये है माता मंदिर की सीढ़ियाँ, देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं। मम्मी भी है, मम्मी आए हैं, सब लोग आए। ये शंकर जी हैं, ये नंदी भगवान हैं, आप देख सकते हैं गणेश जी, और ये देख सकते हैं आप उधर तक हैं। ये आप देख सकते हैं ये हरसिद्धि माता का धड़ है जिसकी यहाँ पूजा होती है, जो यहाँ पर सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। ये हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर तरावली में, देख सकते हैं यहाँ मल्टीपल शिवलिंग्स बनी हुई हैं, जगह जगह आपको दिखेंगी। यहाँ पूजा पाठ पूरा प्रॉपर होता है। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शिवलिंग देखने को मिलेंगी, तो ये आप देख सकते हैं। तो गाइज इस मंदिर की स्टोरी ये है कि जब विक्रमादित्य, जो राजा विक्रमादित्य थे उज्जैन के राजा, वो गए थे काशी, तो उन्होंने हरसिद्धि माता से ये प्रार्थना करी कि आप मेरे साथ चलिए, पर माता ने बोला कि मैं आपके साथ चलूंगी पर जहाँ पर सवेरा हो जाएगा, जहाँ पर सूरज उग जाएगा मैं वहाँ रुक जाऊँगी। तो जब वो उज्जैन लौट रहे थे काशी से, तो तरावली में सवेरा हो गया, सूरज उग गया, तो माता यहाँ पर रुक गई। तो जब माता यहाँ पर रुक गई तो विक्रमादित्य ने यहाँ पर रुक कर उनकी पूजा करी, तब माता उनके साथ चलने को तैयार हुई उज्जैन, पर माता ने ये बोला कि सिर्फ आप मेरा शीश अपने साथ उज्जैन लेके जाइए और जो धड़ है वो मेरे यहीं रहने दीजिए। तो इस कारण से जो हरसिद्धि माता जो शक्तिपीठ है उसके जो दर्शन है, वो जब हम काशी के जो उनके चरण हैं वहाँ के दर्शन करते हैं, और यहाँ पर हम उनके धड़ के दर्शन करते हैं, और उज्जैन में उनके शीश के दर्शन करते हैं, तब जाके हमारे एक जो शक्तिपीठ के दर्शन पूरे होते हैं। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पर नदी में जा रहे हैं, नदी के पास जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर एक नदी है जो माता रानी ने विक्रमादित्य जी के लिए बनाई थी। गाइस अब देख सकते हो हम लोग को यहाँ से थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा प्रॉपर गांव है, और गांव से अंदर चल के नदी है, तो हम लोग को बहुत चलना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं जब हम लोग पहुँचने वाले हैं नदी के पास, हम देख सकते हैं यहाँ पर पहले एक नदी थी, अभी नदी सूख चुकी है, और ये नदी की सीढ़ियाँ आप देख पा रहे हैं प्रॉपरली, तो हम लोग को नदी तो देखने को नहीं मिल पाई है, पर यहाँ नदी सूखा हुआ दिख रहा है। गाइस यहाँ पर आप बफेलो देख सकते हैं, हम लोग को नॉर्मली बफेलो देखने को नहीं मिलती है, पर आपको देख सकते हैं। हाय हाय बफेलो, कैसे हो तुम? कैसे कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग बताइए। गाइस तो प्रॉपर बफेलो देख सकते हैं आप यहाँ पे फेस दिखे, ओए ये बेरोजगार इंसान होता है, ये बेरोजगार इंसान है, देख सकते हैं आपको। गाइस देख सकते हैं पूरा ग्रीनरी है, ये खेत है यार, हमको तो सिर्फ ट्रैफिक ट्रैफिक और गाड़ियाँ दिखती हैं, हमने बहुत दिन बाद ऐसे खेत देखे, इतनी ग्रीनरी देखी है। गाइस आपको यहाँ बकरा भी देखने को मिलेगा, हर तरह के प्राणी देखने को मिलेंगे आपको यहाँ। देखते हैं हमारे यहाँ पर ढोकले पार्टी चल रही है, और यहाँ पर यह ढोकले खा रही है, आप लोग भी ढोकले खा लो। हम लोग वापस आ चुके हैं और हम लोगों ने तरावली माता के मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, अब देखते हैं हमारे 31 का नेक्स्ट क्या प्लान है। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं।